गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 38 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि दो कस्बों ए और बी के मध्य सड़क की दूरी मतलब देखो दो कस्बे यानी दो जगह है, एक का नाम दिया है ए, एक का नाम दिया है बी। उसमें जो इन दोनों के बीच की सड़क की दूरी, जैसे आपके घर से आपका मोहल्ला और आपके बगल का मोहल्ला, आपकी कॉलोनी बगल की कॉलोनी है ना, वैसे उनके जो बीच की दूरी दी हुई है वो 216 किलोमीटर दी हुई है। और रेल की दूरी कितनी दी हुई है, ये तो सड़क से आने जाने की दूरी दी हुई है 216 किलोमीटर, और रेल की दूरी दी हुई है 208 किलोमीटर। मगर आप सड़क से जाओगे तो 216 किलोमीटर जाना पड़ेगा और ट्रेन से जाओगे तो 208 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब एक कार x किलोमीटर प्रति घंटा, और अब कार से जा रहे हो तो x किलोमीटर टाइम ले रही है ना, क्योंकि सड़क की दूरी कम है तो कम ले रही है, और रेल की सड़क की दूरी ज़्यादा है। और कितनी सड़क की दूरी देखो ज़्यादा है ना, 216 है और इसकी रेल की कम है ना। फिर इन्होंने बोला और रेलगाड़ी कार से 16 किलोमीटर अधिक की चाल से चलती है। कार की सड़क कितना ले रही, कार सड़क पर चलने वाली कार x किलोमीटर चल रही है और जो रेलगाड़ी है वो 16 किलोमीटर ज़्यादा समय ले रही है। यदि रेलगाड़ी B तक पहुँचने में कार की अपेक्षा 2 घंटे कम समय लेती है तो x का, पहले तो सबको क्या निकालना है आपको, एक x का समीकरण निकालना है जो द्विघात समीकरण निकलता है, और फिर बोला है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो देखो जो इन्होंने दे रखा है, कार की चाल दी हुई है x किलोमीटर, लिख लो कार की चाल, आपने लिख ली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने यहाँ लिख लिया कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब कार की चाल इतनी और रेलगाड़ी कितना 16 किलोमीटर ज़्यादा समय ले रही है ना, तो रेलगाड़ी की चाल हो गई x प्लस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने इसमें 16 जोड़ दिया। अब सूत्र होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि दूरी और चाल हमारे पास है, हमें समय निकालना है। अब देखो कार का समय कैसे निकालोगे, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, दूरी कार कितना समय ले रही है, दूरी कार की दूरी है 216 किलोमीटर और समय कितना ले रही है x, है ना। रेलगाड़ी कितना, दूरी रेलगाड़ी की है 208 और रेलगाड़ी समय कितना ले रही है x प्लस 16, ये रेलगाड़ी समय ले रही है। अब प्रश्नानुसार देख लो, जो इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बोला है, यहाँ लिख दो दोनों में घंटे, ये इतने घंटे ले रही है दोनों, है ना, समय, क्योंकि समय हमेशा घंटे में निकलता है। अब यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बना, प्रश्नानुसार दोनों समीकरण लिख दो। पहला आपके पास कितना बना, देखो 216 बटे x और माइनस 208 बटे x प्लस 16, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब कितना समय ले रही है, समय दोनों में समय का फर्क कितना है, वो 2 घंटा कम समय लेती है, तो यानी 2 घंटा कम समय, देखो कम समय था इसीलिए यहाँ पर माइनस किया गया है ना, जब ज़्यादा होता है तो प्लस होता है, कम होता है तो माइनस होता है। समीकरण बना लो इसको, इन दोनों का नीचे एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो गया हमारे पास तो एक्स, और यहाँ हो गया एक्स प्लस 16, ये एलसीएम। अब इसको इससे 216 को इससे गुणा कर दो तो हो गया हमारे पास, हमने 216 ऐसे लिख लो आप यहाँ पर कि 216 को हमने x प्लस 16 से गुणा कर दिया इससे, फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर यहाँ इसको इससे गुणा कर दो, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 208 को x से गुणा करा तो 208x हो गया, इधर इक्वल्स टू 2। अब देखो नीचे इसको गुणा कर दो, नीचे जब आपने गुणा कर दिया तो यहाँ अब इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 216 को x से गुणा करा तो हो गया हमारे पास 216x, और साइन प्लस का 216 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3456, है ना, आप गुणा कर लेना, मैंने गुणा करा हुआ है। फिर माइनस का साइन लगा दो, यहाँ लिख दो 208x। अब यहाँ देखो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा नीचे x को x से गुणा करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 16 से करा तो 16x, अब इक्वल्स टू 2। अब देखो क्या करना है,
इस दोनों नंबर को, इसको नीचे वाले नंबर को इधर इससे गुणा कर दो, है ना। तो और उससे पहले ये बीच का यहाँ पर देखो सॉल्व कर लो, ये वाला x है और ये वाला x है। 216x में से 208x माइनस हो गया तो बचा हमारे पास, प्लस का बड़ा नंबर है ना, तो यानी 8x बचा आपके पास। यहाँ लिख दो आप 8x और यहाँ पर यही 3456, ये 2 से इसको इधर भेज दो, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर। और यहाँ पर 16 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 16 2 32, और ये x हो गया। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में और शून्य के रूप में कर दो, यहाँ से लिख लो। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया 2x स्क्वायर, यहाँ यही लिख दो 32x, इसको 8 को इधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस का x, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो 8 ये वाला x है, ये x है ना, इसको यहीं ख़त्म कर दो। देखो 2x स्क्वायर और प्लस का, ये आपका 32 में से 8 माइनस हुआ तो बचा 24x, यहाँ 3400, ये 36 नहीं, यहाँ देखो 56 है ना, 56 है, ठीक 3456, यहाँ भी 3456 है, ये इक्वल्स टू 0 हो गया आपका, है ना। अब इस देखो ये नंबर सब 2 से कट रहे हैं, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हमने जब 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास नंबर मिल गया। देखो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर ये कट गया 12x, और ये हो गया देखो ये पूरा 3456 को जब आप 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 1728। देखो ऐसे 2 1 2 एक बचा, 2 7 14, फिर 2 2 4 एक बचा, और 2 8 16, है ना, ये हो गया। अब इसमें से ये शून्य के, अब इसको ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। देखो एक आंसर आपका यही, देखो ये हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था कि उसको समीकरण के रूप में रखो, तो एक तो आंसर आपका यही हो गया, है ना, लास्ट में इसको लिख देना। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करो, गुणनखंड विधि से यानी 1728 का एलसीएम निकाल लो, उससे बीच का नंबर ऐसा बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए। तो देखो मल्टीप्लाई करके कि करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एलसीएम उसी नंबर का निकलता है, वही उसके फैक्टर होते हैं। बस ऐसा नंबर बनाओ कि प्लस करें, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 12 आ जाए। तो उसके लिए देखो आप लिख दो, यहाँ आपका बन गया x स्क्वायर, और एक बन जाएगा आपके पास 48x, और एक हो जाएगा आपके पास 36x। जब आप इसके एलसीएम निकालोगे तो इसी फैक्टर से बनेगा। और यहाँ इस नंबर को वैसे का वैसे लिख दो, इक्वल्स टू में 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, जो दोनों नंबर में कॉमन आए हैं ना, तो इसमें पास भी x है, इसके पास भी x है, तो यहाँ x को बाहर निकाल लो, यहाँ हो गया x प्लस 48, इसको उठा के यहाँ वैसे का वैसे रख दो, x प्लस 48, और ये जो नंबर है माइनस का 36, यही यहाँ लिख दो बस ये। अब इसको शून्य के रूप में रख दो, है ना। अब देखो बेटा इसको शून्य के रूप में रख दो, यानी ये हो गया आपके पास, यहाँ देखो नीचे कर दे रही हूँ, ये हो गया x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू प्लस का है ना, इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का जो नंबर है वो तो अमान्य हो गया, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या हो गई। ये हो गया x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 36, है ना, यही संख्या। तो हमने x, ये x किसको माना था, हमने माना था कार की चाल बराबर x। तो हमारे पास कितना निकल आया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, इन्होंने पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि x का समीकरण ज्ञात करो, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट आंसर, देखो आपके पास क्या है, यहाँ लिख दो x का समीकरण बराबर, समीकरण कितना अभी आपका निकला, आपने निकाला ना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 1728, ये आपका पहला समीकरण हो गया, एक आंसर हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है, आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो आपने x, आपका x का मान 36 निकला ना, तो आपके पास रेलगाड़ी की चाल आपने कितनी मानी थी, आपने सेकंड, देखो सेकंड आंसर है, लिख दो रेल गाड़ी की चाल बराबर, हमने रेलगाड़ी की चाल x प्लस 16 थी ना, तो यानी 36 प्लस 16 बराबर हो गया आपके पास 52 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यही आपका इसका आंसर हो गया।
बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं रंगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।